नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपके कक्षा छः का संस्कृत विषय का पेपर है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि विद्यार्थियों जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन में पूरा सोल्यूशन करवाऊँगा, वैसा वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चैनल पर नहीं तो विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको मिल सके विद सॉल्यूशन एग्जाम से पहले। यही इसी चैनल पर आप ऑलरेडी मैंने पेपर डाल दी है, वही देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल पर जाकर विद्यार्थियों एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा। जो यहाँ विद्यार्थियों पूरा करना, ये 50 का होने वाला, आपका कितना होगा 50 का, ये 70 का बिल्कुल नहीं हो सकता, आपके 50 का पूरा होगा। ओके, देखिएगा, शुरू करता हूँ। और इसे जो पेपर की आप PDF है ना विद्यार्थियों, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे प्राप्त करोगे वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो की ये जो पेपर की जो PDF है वो कैसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो, फिर वहीं से आप प्रश्नों के आंसर याद करके आप एग्ज़ाम से बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हैं वो कोष्टक में देने। पहला प्रश्न है वो आपको क्या आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के हैं आंसर होगा कोष्टक में देने। पहला प्रश्न क्या आएगा आपके, देखिएगा, पहला प्रश्न है कि कुकुर इत्यर्थे किम पदम अस्ति, यानी कुकुर शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है आपके सुनक। कुकुर को क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं, कुत्ते को संस्कृत में सुनक बोलते हैं। ऑप्शन दो है वो इसका सही हो जाएगा। पुराणम इति पदसी विलोम शब्द का, यानी पुराणम का विलोम शब्द क्या है। तो पुराणम का जो विलोम शब्द है वो नूतनम। पुराणम का अर्थ होता है पुराना और नूतनम का होता है, नूतनम का हो जाएगा नया। वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्षा क्या रचते हैं। तो वृक्षों के द्वारा वन रचे जाते हैं, यानी वृक्षों से क्या बनते हैं, वन बनते हैं। बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लिखिए, बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है बालका। ऑप्शन अ है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन अ विद्यार्थियों बिल्कुल सही है। देखिएगा, सियार क्वेश्चन थे, सियारों का आंसर मैंने बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अगला क्वेश्चन है दूसरा, कोई दो अक्रांत पुल्लिंग शब्द लिखिए, कोई दो अक्रांत। देखिए, पहला पर शब्द आप लिख लेना देव, ठीक है, और दूसरा आप लिख लेना विद्यालय। क्या लिखना है, विद्यालय। ठीक है, ये दो अक्रांत पुल्लिंग शब्द देव और विद्यालय लिखना है आपको एग्जाम में। और दूसरा है दो स्त्रीलिंग अक्रांत शब्द लिखने हैं, आप एक तो लिख देना रमा, ठीक है, और दूसरा लिख देना लता, रमा और लता, दो स्त्रीलिंग अक्रांत शब्द हैं रमा और लता। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपके मिलान, अरे सोलह क्वेश्चन है विद्यार्थी, मिलान कीजिए। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पेपर आपके लिए, क्योंकि ये हूबहू आपको वैसा का वैसा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, कक्षा में आप टॉप करना चाहते हैं, तो इस पेपर को याद करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, अंत तक देखिएगा। और इस पेपर की PDF भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप याद कर सकते हैं। ओके, देखिए, यहाँ देखिए, तवम का अर्थ होता है तवम लिखसी, क्या हो जाएगा, तवम लिखसी, UM पचत, ठीक है, आवाम क्रीडाम, अहम खादामी, ठीक है, युवाम गचत और वयम रक्षा, इस तरीके से आपको मिलान करना। देखो, तवम का तवम लिखसी, युवाम रक पचत, आवाम क्रीडा, अहम खादामी, युवाम गचत, वयम रक्षा, ये थे आपका मिलान से। अगला क्वेश्चन है पांचवा, श्लोक का हिंदी अनुवाद लिखिए, श्लोक का हिंदी अनुवाद कीजिए, यानी अनुवाद हिंदी में करना है। क्या श्लोक है, काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पिका कयो, वसंतमय प्राप्त काक काक पीक पीक। तो इसका हिंदी जो अनुवाद होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कौवा है वो काला होता है, ठीक है, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, और कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, कोय और कोयल में क्या अंतर है, ये वसंत ऋतु आने पर कौवा होता है और कोयल हो जा होती है, ये बात स्पष्ट हो जाती है कब, वसंत ऋतु आने पर, क्योंकि कोयल है वो मीठी मधुर आवाज़ में बोलती हैं, तभी हमें पता चल जाता है कि ये कोयल है, और कौवा है वो कर्कश की आवाज़ निकालता है, काँव काँव की आवाज़ निकालता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौवा, ठीक है। तो एक बार और बता रहा हूँ कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, काक कृष्ण पीक कृष्ण, यानी कौवा काला, कोयल भी काली, ठीक है, को भेद पिका कयो, यानी कोय और कोयल में क्या अंतर है।
तो वसंत ऋतु प्राप्ते काक, यानी वसंत ऋतु आने पर काक काक यानी कोआ कोआ होता है और कायल कोयल हो जाती है। अगला सट्टा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा प्रात यहाँ आ जाएगी, प्रात यानी प्रात भ्रमण स्वास्थ्य श्रेष्ठ होती है, सुबह आप भ्रमण करते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, त्वम मातुल गृह गृहिणी, त्वम अधुना मातुल गृह यहाँ आ जाएगा, और रविवार रविवार सर अस्ति यानी अद्य यानी आज अद्य रविवार सर अस्ति रविवार सर अस्ति। ठीक है, तो ये जो पहला है आपका प्रात आ जाएगा अ में, ठीक है, अधुना आ जाएगा ब में और अद्य आ जाएगा स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन है कि प्रश्नों के उत्तर हैं वो हिंदी में देने हैं, क्या देने हैं हिंदी में। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्नों को उत्तर हिंदी में कैसे देना है। देखो वाहन के चालित, वाहन कौन चलाता है, ठीक है, वाहन कौन चलाता है, तो वे दोनों वाहन चला रही है, इसका लिखना है वे दोनों वाहन चला रही। सातरों कहानी रचित, तो इस प्रश्न का आंसर है आपको इधर तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना है किसको कितना आता है, इससे पता चल जाएगा कितना कौन कितना पढ़ता है। ठीक है, सातरों कहानी रचयंती। ग में दे रखा अरब सागर कुत्र अस्थि, अरब सागर कुत्र अस्थि, अरब सागर कहाँ पर है, तो अरब सागर है वो भारत के पश्चिम दिशा में। ठीक है, अरब सागर है वो भारत के पश्चिम दिशा में। ग में पुस्तकें पठित पाठ कुत्र साधनीय, पुस्तकें पठित यानी पुस्तकें पढ़कर क्या साधते हैं, तो पुस्तकें पढ़कर जीवन को साधते हैं, क्या है जीवन को साधता साधन साधा जाता है, जीवन को साधना। ठीक है, जीवन को साधना, तो इनका ये आंसर था। अगला क्वेश्चन है आपके, देखिएगा देखो अब बता रहा हूँ मैं कि इससे जो पेपर की जो विद्यार्थी पीडीएफ है ना वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, इससे पेपर की पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और उसका जो लिंक है इस वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर इसे वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल श्याम एजुकेशन का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करने के बाद इस लिंक पर क्लिक कीजिए जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो में, और फिर वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप सारी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो किसी भी सब्जेक्ट की, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो उस एग्ज़ाम पेपर की और बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करना। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है विद्यार्थियों, सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि हम आपके लिए इतना करते तो आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, अगला है स्पर्श व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण वो 25 होते हैं, कितने होते हैं 25। परमानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, परमानंदम, तो परम प्लस आनंद, परम परम प्लस आनंद हो जाएगा परमानंद। ठीक है, और 37 को संस्कृत में लिखना है, 37 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सट त्रिशंत, क्या कहते हैं सट त्रिशंत कहते हैं, संस्कृत को 37 को संस्कृत में कहते हैं सट त्रिशंत कहते हैं। गम धातु लट लकार का मध्यम पुरुष एकवचन लिखिए, गम धातु लट लकार का मध्यम पुरुष, तो इसका हो जाएगा गच्छसि, गच्छसि क्या हो जाएगा गच्छसि, गत जो गम धातु लट लकार का मध्यम पुरुष एकवचन है वो गच्छसि हो जाएगा, क्या होता है गच्छसि। और ये नौवां प्रश्न है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कोई दो श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, तो अपनी पाठ्यपुस्तक में से कोई दो श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। दसवां क्वेश्चन है कि वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, वाक्यों का संस्कृत में तुम जल पीते हो, तुम जल पीते हो, तो त्वम जल जलम पिबंती, त्वम जलम पिबंती, मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, क्या हो जाएगा अहम पठामी, मोर नाचता है तो मयूर नृत्यंती, क्या लिख रहा है मयूर नृत्यंती। अगला है वह पत्र लिखता है तो सपत्रम लिखती, क्या हो जाएगा सपत्रम लिखती। अगला है घोड़ा दौड़ रहा है तो अश्व धावती, क्या हो जाएगा अश्व धावती। एक बार और बता रहा हूँ, तुम जल पीते हो मतलब त्वम जल पिबंती, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, मोर नाचता है तो मयूर नृत्यंती, वह पत्र लिखता है सपत्रम लिखती, अश्व यानी घोड़ा दौड़ रहा है तो अश्व धावती। ओके, तो ये था आपका दसवां क्वेश्चन का जो हिंदी में अनुवाद था संस्कृत में,
हिंदी का संस्कृत में अनुवाद। 11वां जो क्वेश्चन है, बकशी प्रतिकार पाठ का जो सार है अपने शब्दों में लिखिए। बकशी प्रतिकार क्या लिखना है इसका हिंदी में, पाठ का सार अपने शब्दों में लिखना है अथवा में दे रखा है। अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। परोपकार, अस्माक देश या विद्या या मातृ, तीनों में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है। 10 वाक्य लिखने हैं, कितने हैं 10 वाक्य आपको लिखने हैं इन पर, दोनों में से कोई एक करना है। 11 में से क्या है विद्यार्थियों, दोनों में से कोई एक करना है, या तो ये बकसी प्रतिकार का जो पाठ सार है वो अपने शब्दों में लिख देना, अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इन तीनों में से किसी एक पर आपको 10 शब्दों 10 लाइन में आपको एक निबंध तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये था आपका संस्कृत विषय का पेपर जो कक्षा 6 का। ठीक है, और इस वीडियो की जो इस जो पेपर की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, फिर एग्जाम से पहले आपको वो PDF सारी की सारी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, विद उत्तर सहित आपको मिलेगी और आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन। और ये जो आपका वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो को अंत तक देखा होगा, ध्यानपूर्वक याद किए होंगे सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे।